The Ladakh-based activist and educator Sonam Wangchuk, who had recently gone on a five-day climate fast to save Ladakh, is protesting today in Delhi. He says that he's protesting so that the voice of people in Ladakh reaches the government. The Leh-based Ladakh apex body of people's movement is demanding the sixth schedule, and Kargil Democratic Alliance are the two bodies from the two regions of Ladakh which have been demanding statehood. सर क्या वजह है कि एनवायरमेंटलिस्ट को पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देनी पड़ रही है? मैं अभी भी पर्यावरण से जुड़े हुए स्टेटमेंट्स ही दे रहा हूं, मगर पर्यावरण को बचाते बचाते मेरे हिफाजत के इतने चिंतित हो गए जो प्रशासन है कि उन्होंने लोकतंत्र के सभी नियम कानूनों का हनन किया, तो मुझे लगा कि लोकतंत्र भी खतरे में है, क्योंकि जिस तरह से एक शांतिपूर्वक अनशन करने वाले को आप नजरबंद कर देते हैं और लिख के भी नहीं देते हैं कि आप नजरबंद हो, मगर करते वही हैं, तो फिर मुझे लग रहा है कि अब लोकतंत्र भी खतरे में है, कि लद्दाख को जैसे हर प्रदेश में आप लोगों का हक है कि आप अपने चुने हुए नेता भेजें, लद्दाख में ऐसा कुछ नहीं है, कोई चुना हुआ नहीं है, एक शासक शासन कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे देना पड़ा। मैंने प्लेकार्ड्स देखे कि सेव डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी को टारगेट किया जा रहा है, तो ये आखिर इसकी क्या वजह है? तो यही कि यूटी जो है वो विदाउट लेजिस्लेचर है, यानी कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के नीचे कुछ भी नहीं है लोगों तक। जो हिल काउंसिल है वो तो बहुत कमजोर हो चुकी हैं, उनके पास 8% भी बजट नहीं होता है, बाकी आप सारे प्रदेशों में तो 100% चुने हुए प्रतिनिधि लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ के फैसला करते हैं, लद्दाख को ये नसीब नहीं है। सर जब आप लोगों को यूटी बनाया गया था तो काफी जश्न मनाए गए थे, कारगिल में तो लोग दुखी थे लेकिन लेह लद्दाख में काफी खुशी थी, तो अब से तब से अब क्या स्थिति बदली है कि आप लोग भी कारगिल के साथ आ गए? तब हम उम्मीद कर रहे थे कि जिन नेताओं ने हमें यूटी दी है वो हमें संरक्षण भी देंगे, वो हमें लोकतंत्र भी देंगे, अब पता चल रहा है कि ये नहीं हुआ है, तो हम सिर्फ याद दिला रहे हैं, हमारी अभी भी उम्मीद है कि देर है अंधेर नहीं है, तो इसलिए हम, क्योंकि कहते हैं ना, अगर रोए नहीं तो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं देती। लास्ट क्वेश्चन, हम यही उम्मीद करते हैं सर, डेवलपमेंट को लेकर केंद्र सरकार, खास करके जो एमएचए है, वो कहती है हम 6,000 करोड़ बजट जो है एनुअली देते हैं और बहुत डेवलपमेंट की वहाँ पे एमओयूज भी साइन हुए हैं, तो इसे लेकर क्या इकोलॉजी को लेकर है कि वो एमओयूज किसी लद्दाखी को पता नहीं है, यही हमारा मसला है कि वो लद्दाख के काउंसिल से, लद्दाख के लोगों से समन्वय में किया जाए। आप पूरा खाका दे रहे हैं कि समस्या क्या है, क्योंकि 6,000 करोड़ खर्चे जा रहे हैं और लोगों को कुछ पता नहीं, उनका कोई अधिकार नहीं है, बल्कि मुझे तो पता है कि उसमें से आधे से ज्यादा वापस जा रहे हैं, तो वापस जा रहे हैं तो लोगों से नहीं पूछा जा रहा, खर्च हो रहे हैं तो लोगों का उसमें कोई भागीदारी नहीं है, यही